शांति। आज की तारीख है 9/4/16 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है कि माया के जो तूफान आते हैं उन तूफानों को बंद कैसे करें, रोकें कैसे, हमेशा के लिए वो हमारे पास न आए, उसके लिए क्या करें। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उसकी निशानियां सुनाओ। उत्तर है, नंबर एक, उसमें उन्हें सारा ही दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। नंबर दो, वो सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। नंबर तीन, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए, वह विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। नंबर चार, उसमें वो बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। अब स्वयं को देखना है कि हमारे अंदर ये विशेषताएं हैं। यदि ये विशेषताएं हैं तो हम विशाल बुद्धि हैं, वरना हमें इन विशेषताओं को धारण करना है। धारणा के लिए मुख्य दो बातें, नंबर एक है अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। नंबर दो है सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पांव हमारे नरक के तरफ, सिर हमारा स्वर्ग के तरफ है, बाजौली को याद कर अथाह खुशी में रहना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है आज का, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। बाप कहते हैं, जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं उनके आगे सारी विश्व कुर्बान जाती है, साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। पहले आप बाप पर कुर्बान हो जाओ तो माया फिर आप पर कुर्बान हो जाएगी, और अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए फरमान पर चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किलातों से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी, तो ऐसी सहज जीवन बनाओ। स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीवदान देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।